शब्दों का ऑब्सेशन, इसके बारे में मैं आज आपसे बातचीत करने वाला हूं। यह एक लेडी करीब करीब 50 साल की, उनको मेरे पास में लेके आए और इनको ऐसा प्रॉब्लम था कि कोई भी काम जब करते हैं, कोई भी काम कर रहे घर में, तो उनके दिमाग में अचानक एक शब्द आता है और वो आता है देख ले। अब देख ले ऐसा शब्द आने के बाद में वो उसके ऊपर उसका फोकस हो जाता है, फिर उसके दिमाग में एक शब्द आता है उसको दबा डाल, दबा दे, शब्द आता है आंखों में, अब कानों में सुने नहीं आता, या उठा के फेंक दे, ऐसे कोई शब्द आ जाते हैं और फिर ये शब्द उसके जो है वो दिमाग में आते रहते हैं और वो शब्द आ गए कि बार 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 फिर वही शब्द उसके घूमते रहते हैं। फिर वो शब्द एक बार चालू हो गए फिर काम सब छोड़ना पड़ता है, एक जगह पे बैठना पड़ता है, सुन हो जाती है और दिमाग ही चलता नहीं, फिर कुछ भी काम नहीं कर सकते, फिर बार बार वही शब्द आएंगे, ऐसा कोई भी एखादा शब्द आया पकड़ लिया कि चालू, फिर घर में काम करना होता नहीं है, उदासीनता है, चिड़चिड़ेपना है, बहुत गुस्सा आता है और मालूम है कि कुछ तो भी ये मानसिक बीमारी है। डॉक्टरों के पास में गए, उन्होंने बताया कि नहीं ये ओसीडी की बीमारी है, उन्होंने कुछ दवाई दे दिया, बोले जाओ दवाई से अच्छा हो जाएगा, दवाई से कुछ फायदा हुआ नहीं, उसको बहुत ही साफ सुथरा होना, सब बहुत ही क्लीनलीनेस, सब टॉप टिप होना, हर चीज़ें हर जगह पे बराबर वहीं होना और फिर वहीं रखते हैं तो उसको अच्छा लगता है, तो प्रॉब्लम है। ये चालू कैसे हुआ तो बोले कुछ साल पहले घर में भगवान की पूजा करनी थी और वो हर साल करते रहते पूजा, एक वो पूजा उस साल होने कोई कारण से हुई नहीं, तो उनको लगा कि भगवान ने उनके तरफ मतलब नज़र जो है उनकी लग गई भगवान की, भगवान गुस्सा हो गए और फिर उसको ऐसा कुछ तो भी प्रॉब्लम चालू हो गया। उसको कान के पीछे भी बहुत दर्द होते रहता है, कभी कभी चक्कर आते रहते हैं, कभी सिर घूमने लगता है, सर दर्द होता है और फिर कुछ सुस्ता नहीं है और जिंदगी चालू है। करीब करीब 3-4 साल से ये प्रॉब्लम चालू है और इलाज हो नहीं रहा है। उन्होंने जब मुझे संपर्क किया तो हमने बोला कि ये आपको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, ये बार बार शब्द आते हैं और वो शब्द के ऊपर ख्याल देना पड़ता है, फिर आप बैठ जाते हैं, बार बार होते रहता है, तो उसका इलाज हम एंटी ऑब्सेसिव मेडिसिन देंगे और उसको मैंने बिहेवियर थेरेपी, साइकोथेरेपी, हिप्नोथेरेपी, ऐसा सब ये कि हम, हमारे पास क्या होता है कि लोग काफ़ी दूर से संपर्क करते हैं तो वो ऑनलाइन कॉन्टैक्ट करते हैं हमारे से, तो हमारे ऑनलाइन कॉन्टैक्ट भी आप जो नीचे नंबर दिए वहाँ हमको संपर्क कर सकते हैं। केड़कर हॉस्पिटल में डॉक्टरों की टीम है, वो आपके सब सवालों के जवाब देंगे और आपका जो प्रॉब्लम है हम सॉल्व करने की कोशिश करते रहते हैं। हमारा है सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य व्यसन मुक्त भारत ये मिशन, तो ये मिशन में आप भी शामिल हो जाओ। कोई भी प्रॉब्लम रहा तो केड़कर हॉस्पिटल में संपर्क कीजिएगा। हमारा ऐप है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें फ्री चैटिंग कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।